हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो इफेक्ट की लिमिटेशंस इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रेडियस रेशियो इफेक्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन ए बी टाइप आइनिक क्रिस्टल बट नॉट ऑन ए बी टू टाइप आइनिक क्रिस्टल बिकॉज इन ए बी टू टाइप आइनिक क्रिस्टल रेशियो ऑफ एनाइन एंड कैटाइन इज नॉट सेम देखिए फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो कहती है कि ये जो रूल है रेडियस रेशियो रूल है ये सिर्फ़ ए बी टाइप के आयनिक क्रिस्टल पर एप्लीकेबल है बट ये एप्लीकेबल किस पर नहीं है ए बी टू टाइप के आयनिक क्रिस्टल पर ये एप्लीकेबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखिए अगर हम ए बी टाइप के आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर ए और बी दोनों वन इज़ टू वन के रेशियो में हैं यानी अगर हम ए को कैटाइन माने और बी को एन माने तो कैटाइन और एन क्या है दोनों सेम नंबर में है एक कैटाइन है तो एक एनाइन है लेकिन अगर हम ए बी टू की बात करें तो यहाँ पर जो बी है बी के दो पार्ट है यहाँ पर यानी ए का एक पार्ट है बी के दो पार्ट वन इज़ टू टू का रेशियो हो गया इनका तो यहाँ पर ये यह एप्लीकेबल नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो कैटाइन है और जो एनाइन है वो सेम नंबर में नहीं है देखिए इसका सेकेंड लिमिटेशन क्या है तो अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो इफेक्ट द शेप ऑफ लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड शुड बी टाट्राहीट्रल यानी इस रेडियस रेशियो इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए इनकी शेप टाट्राहीट्रल होनी चाहिए लेकिन एक्चुअल में इनकी जो शेप है वो क्या है ऑक्टा है इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल शेप ऑफ बेरियम ऑक्साइड एंड एस्ट्रॉन्ियम ऑक्साइड डज नॉट मैच यानी इस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों की जो शेप है वो भी मैच नहीं करती है फोर्थ पॉइंट है कि कैड जो कैडमियम सल्फाइड है और मर्क्यूरिक सल्फाइड है इनकी जो शेप है इस रूल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए ऑक्टा हीट्रल होनी चाहिए लेकिन एक्चुअल में जो इनकी शेप है वो क्या है टाट्रा है तो ये हैं इसकी लिमिटेशंस आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो